मैं मुख सिंह चौहान व मारा नेवरो तहसील ओसिया जिला जोधपुर और मेरे किडनी की प्रॉब्लम है 2.5 साल से है और मैं जोधपुर में इलाज ले रहा हूँ। तो फिर हमारा डॉक्टर था तो उसने बोला भाई तेरा किडनी का ट्रांसफ़र करा ले। तो मैं कहा सर ट्रांसफ़र तो करेंगे लेकिन मैं कहाँ जाऊँ। तो डॉक्टर साहब ने बोला जयपुर चले जाओ मणिपाल हॉस्पिटल में। तो मैं ठीक है सर। तो वहाँ का कोई नंबर वगैरह? तो सर हमारे को जितेंद्र सर का नंबर दिया था, जितेंद्र गोस्वामी उसका नंबर दिया। तो हमने उससे बात की तो सर ने बोला जयपुर आ जाओ और हमसे मिल लो। पहली बार मक सिंह जोधपुर से मुझसे मिलने आए तो मैंने देखा कि एक जवान आदमी व्हीलचेयर पे आ रहा है और उस स्टेज पे वो खड़े होने में भी सक्षम नहीं थे। उनकी फिजिकल कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। इस कंडीशन को हम अपनी लैंग्वेज में सीवियर प्रोटीन वेस्टिंग या सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी बोलते हैं। आते ही उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में उसे जिक्र किया, पर मेरे दिमाग में एक अलग ही प्रश्न चल रहा था कि क्या इतना कमज़ोर शरीर किडनी ट्रांसप्लांट का स्ट्रेस सहन कर पाएगा। ऐसे में चलते मैंने अपनी टीम से डिस्कस किया और हमने डिसाइड किया कि अगर मक सिंह जयपुर शिफ्ट हो जाते हैं और कुछ वीक्स हम एक क्वालिटी डायलिसिस और प्रॉपर न्यूट्रिशन दें तो पॉसिबल है कि इस फिज़िकल कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सकता है और फिर इस अच्छी फिजिकल कंडीशन में हम एक सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट करने में सक्षम हो पाएंगे। मक्सिंग के लिए ट्रांसप्लांट का निर्णय ले पाना बहुत ही हिम्मत का काम था। उनका छोटा सा परिवार आर्थिक और शारीरिक रूप से उन्हीं पर निर्भर है। ट्रांसप्लांट के बाद मिलने वाली बेहतर से बेहतर जिंदगी उनके परिवार के लिए बहुत मायने रखती है। ट्रांसप्लांट के परिणाम इस बात पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं कि ऑपरेशन से पहले मरीज की साधारण स्थिति किस तरह की है। एक कमज़ोर शरीर, प्रोटीन की कमी, कमज़ोर हार्ट मरीज की ऑपरेशन के बाद की रिकवरी को बहुत लंबा कर सकती है। टांकों का ना भरना, टांकों का खुल जाना, दोबारा ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ना जैसी बड़ी समस्याओं से भी मरीज को गुजरना पड़ सकता है। परंतु एक बेहतर डायलिसिस की व्यवस्था और एक बेहतर खुराक और न्यूट्रिशन की प्लानिंग से हम मक सिंह को उस स्थिति में ला पाने में सक्षम हुए जहाँ से उन्हें ऑपरेशन के बाद कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े। ट्रांसफ़र हो गया, बहुत अच्छा गया। लेकिन ट्रांसफ़र हो गया फिर बहुत बढ़िया, मतलब 10-11 दिन मेरे को छुट्टी मिल गई थी। फिर मैं मेरे रूम यहाँ लिया कर रखा हुआ, यहाँ भी रहता हूँ और सब कुछ ठीक है मेरे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पहले शरीर मेरा, पहले देखो पता पड़ जाएगा आपको वीडियो में, पहला शरीर कैसा था और अभी कैसा है ये भी आपको पता लग जाएगा कैसा है और कैसा नहीं है। तो ये लगभग ये टीम बहुत अच्छी है मणिपाल हॉस्पिटल की, जितेंद्र गोस्वामी, ज्योति बंसल और ये डॉक्टर है, वो टीम सब अच्छी है। मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि किडनी ट्रांसप्लांट एक इलेक्टिव और प्लान्ड प्रोसीजर है और उसमें किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कभी कभार जल्दबाजी के चलते मरीजों को बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन फेस करने पड़ सकते हैं, जैसा कि मक सिंह के केस में हमने उनकी हेल्थ को पूरी तरह से पहले ऑप्टिमाइज़ किया और उसके बाद ही हमने उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया। और इसमें कहीं ना कहीं हमारे क्वालिटी डायलिसिस का बहुत बड़ा हाथ है। क्वालिटी डायलिसिस के चलते हम एक अच्छा ट्रांसप्लांट करने में सक्षम हो पाए और एक अच्छे ट्रांसप्लांट के चलते हम उन्हें एक अच्छा जीवन देने में सक्षम हो पाए।